और ये नई चमचमाती साइकिल आ चुकी, इसके बाद जैसे इंटरवल होंगे तो बेस्ट स्कोरों को अवार्ड दिया जाएगा, वो आपको परिचय करा दिया जाएगा कौन सी साइकिल आपको दिए जाने वाले हैं। जो भी दर्शक साथी अभी भी हमारे साथ टच लाइन के बाहर जुड़ रहे हैं, मैं आपको अवगत करा दूं कि पीले पोशाक पर जो टीम नजर आ रही है ये है कबाड़ी बारी से बिल्कुल मैदान के बीच में चले, कुछ बारी की अभी फुटबॉल के शेष बचे हुए हैं और हमें आशा है कि आने वाले टाइम मैचों में काफी लोगों हार होने वाली है, क्योंकि लोग पुरस्कार के लिए लड़ेंगे, पुरस्कार के लिए खेलेंगे। फिलहाल मुंडा एफसी एक बेहतरीन टीम के तौर पर जानी जाती है, कोशिश करना होगा दबाव बनाने की, अगर आप मैन टू मैन पास खेलते हैं आपके लिए बेहतरीन होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके एक और बेहतरीन मौका था इस बार मुंडा एफसी के लिए, हालांकि दुर्भाग्य रहा यहाँ पर पोस्ट गेंद लगी। एक अच्छी मौका बिल्कुल राइट विंगर के लिए, राइट विंगर हल्का सा काफी क्लोज था वहां, दो खिलाड़ियों के अच्छी डिफेंसिव और अच्छी डिफेंसिव और आखिरकार गेंद और यहां एक काउंटर के लिए बिल्कुल उदासी बेहद करीब और लीड और इस बार क्या है नजारे आज फुटबॉल मैदान की बात करें काफी ज्यादा उलटते हुआ है, झारखंड का सामना करना पड़ा है, यानी क्षेत्रीय टीम ने अपना प्रतिभा को दिखाया, इस बार मौका बनेगा बेहतरीन कटबैक आता हुआ किक। और यहाँ छोटी गति के साथ आगे बढ़ने के क्रम में मौका बनेगा मुंडा एफसी, जतिन वर्मा पर अभी भी मौका है उनके पास, इस बार मुंडा एफसी का मौका इस बार भी नहीं हुई, शून्य के स्थिति पर मुंडा एफसी शून्य, काफी दिनों से शून्य बिल्कुल। और क्या फुटबॉल खेला जा रहा है, एंड टू एंड मुकाबला दोनों छोर से आक्रमण, यही तो है फुटबॉल हमेशा। और यहाँ एक मौका मिले थे 2023 हो रहे थे, हम लोग घर पर अपने आप को बंद करते हैं, इसके बीच में अगर एक और प्रश्न आते हैं ध्यान रखने के लिए आपके सारे आपके इस टूर्नामेंट का आयोजन करते आया है और बेहतरीन फुटबॉल अभी तक देखने का मौका मिला है। बर्तमान में मौका मिले काफी डे बहुत ही नफी तो, लेकिन ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा रही।